हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरज मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जो मेरे ही नाम से हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम सीरीज़ के पहले एपिसोड में आपने देखी मेरी दो दिन की जर्नी, जिसमें पहला दिन था मेरा दिल्ली से दार्जिलिंग तक के नाम। अगर आपने अभी तक पहला एपिसोड नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस वीडियो का लिंक डाल दिया है, आप वहाँ जाकर भी उसको देख सकते हैं। दूसरे दिन क्लाउड्स होने की वजह से मैं टाइगर हिल नहीं जा पाया और वहाँ से सनराइज़ नहीं देख पाया। ब्रेकफास्ट करने के बाद दोपहर में मैं गया चौरास्ता और माल रोड और शाम की वॉक रही टी गार्डन के नाम। आज के इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा दार्जिलिंग के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स की वर्चुअल जर्नी, तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक और देखिए दार्जिलिंग के फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। ये दोनों ग्रीन टी है, ये आपका शुगर पेशेंट हार्ट पेशेंट के लिए है और ये जो है टाइफाइड के लिए है। ये किसके लिए है? तो दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत एज यूजुअल ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरे होटल से हुई। होटल से मैं निकला टैक्सी स्टैंड के लिए मार्केट होते हुए चौक बाज़ार से। चौक बाज़ार से पैदल पैदल मैं पहुंचा टैक्सी स्टैंड तक। अगर आप दार्जिलिंग से गैंगटॉक भी जाना चाहते हैं तो यहीं पर एक गैंगटॉक टैक्सी स्टैंड वालों के लिए काउंटर भी बना हुआ है। वहां से आप सीधे गैंगटॉक के लिए, ये देखिए राइट साइड में जो ये बना हुआ है, ये दार्जिलिंग गैंगटॉक, ये टैक्सी स्टैंड पे काउंटर है। यहां से आप सीधे गैंगटॉक के लिए भी टैक्सी ले सकते हैं जिसका किराया 400 रुपये पर पर्सन है, 400 रुपीज़ ईच पर्सन। इसी स्टैंड के सामने टैक्सियाँ लगी रहती हैं और यहीं से मैंने अपने लोकल ट्रिप के लिए आज के दिन के लिए 2000 रुपये में एक छोटी गाड़ी बुक की जो मुझे आज के साइट सीन करा के लाएगी। आज के हमारे सफर की शुरुआत हो चुकी थी और हमारी पहली मंजिल थी बुद्धिस्ट टेंपल एंड शांति स्तूपा। शांति स्तूपा दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर जल पहाड़ पहाड़ी के ढलान पर सिचुएटेड है। यह दार्जिलिंग के सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है और दुनिया भर में बने हुए 70 से अधिक शांति स्तूपों में से एक है। प्राचीन परिवेश में बना साधारण सा सफ़ेद रंग का जापानी मंदिर एक खास तरह का आकर्षण लिए हुए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। टूरिस्ट को मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही दो गोल्डन कलर के शेर टूरिस्ट का वेलकम करते हुए विराजमान आपको नजर आएंगे, जो टूरिस्ट को मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए अट्रैक्ट करते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद आप बढ़ेंगे पीस पगोड़ा की तरफ। दार्जिलिंग में बना हुआ यह पीस पगोड़ा एक्चुअल में एक बुद्धिस्ट स्तूप है जहां भगवान बुद्ध की मूर्तियां रखी हुई हैं। दार्जिलिंग का यह पीस पगोड़ा दार्जिलिंग की सबसे ऊंची रचनाओं में से एक है। यह लौकिक शांति और एकता के विचार को भी बढ़ावा देता है।
इस पीस पगोड़ा में सोने की पॉलिश की हुई भगवान बुद्ध की 4 चमकदार मूर्तियां हैं जो भगवान बुद्ध के अलग अलग अवतारों का चित्रण करती हैं। इस शांति स्तूप की ऊंचाई 28.5 मीटर और इसका व्यास 23 मीटर का है। पीस पगोड़ा में स्थापित भगवान बुद्ध की 4 प्रतिमाओं के बीच में जो जगह है वहाँ पर नक्काशी की गई भगवान बुद्ध की अलग अलग प्रतिमाएं रखी हैं। ये प्रतिमाएं भगवान बुद्ध के अलग अलग जीवन काल के दृश्यों को दर्शाती हैं। इस पीस पगोड़ा का निर्माण समाज के विभिन्न जातियों वर्गों और धर्मों के लोगों के बीच एकता सद्भाव और शांति का संदेश फैलाने के लिए किया गया था। काफ़ी ऊंचाई पर बने होने के कारण मौसम साफ होने पर यहाँ से दार्जिलिंग शहर का और कंचनजंगा की चोटियों का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। इस पगोड़ा के बाद मैं चला अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर जो थी बतासिया लूप। दार्जिलिंग शहर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर एक विशाल घुमावदार रेलवे मार्ग है जिसकी गिनती शहर के फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में होती है। पहाड़ों को काटकर और उनकी ज़मीन को समतल करके इस रेलवे ट्रैक यानी कि बतासिया लूप का निर्माण किया गया है। बतासिया लूप जाने के लिए आपको कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी और उसके लिए 20 रुपये का एंट्री टिकट भी लेना होगा। बतासिया लूप के बीचों बीच अलग अलग युद्धों में शहीद हुए हुए गोरखा सैनिकों को समर्पित एक त्रिकोणीय आकार का वार मेमोरियल भी बना हुआ है। यह वार मेमोरियल ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है और जिसके नीचे सभी गोरखा शहीद सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं। बतासिया लूप पर टॉय ट्रेन में सफर करते हुए टूरिस्टों को दुनिया की तीसरी ऊंची चोटी कंचनजंगा के मनोरम दृश्य और पूरे दार्जिलिंग शहर का सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। साथ साथ यहां पर एक छोटा सा मार्केट भी मौजूद है जहां से टूरिस्ट स्थानीय वस्तुएं जैसे हैंडबैग्स पर्स सजावट का सामान वगैरह खरीद सकते हैं। यहाँ का मौसम कब पलटी मार जाए इसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए आप एक छाता हमेशा अपने साथ रखिएगा। आप देख सकते हैं बादलों का एक समूह बतासिया लूप की तरफ बढ़ता हुआ और थोड़ी देर में नज़ारा इस तरह का था। सन 1919 में दार्जिलिंग में टॉय ट्रेन के सपने को साकार करने के लिए बतासिया लूप का अभियान शुरू किया गया था। घूम से दार्जिलिंग की तरफ लगभग 1000 फुट का सीधा ढलान है। इस ढलान पर ट्रेन का सीधा उतरना संभव नहीं था तो ट्रेन के मोमेंटम को कम करने के लिए इस बतासिया लूप का निर्माण किया गया। ब्रिटिशर्स ने दार्जिलिंग को अपनी गर्मियों की सैरगाह के रूप में चुना और उन्होंने ही इस सफ़र को मुमकिन बनाया। घूम से दार्जिलिंग के लिए 1000 फुट की सीधी ढलान में जब ट्रेन उतरती है तब टूरिस्टों को किसी भी खतरे का एहसास नहीं होता और उन्हें पता भी नहीं चल पाता। कोविड की वजह से दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की न्यू जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी की सर्विसेज अभी बंद थी। अभी टूरिस्ट सिर्फ घूम रेलवे स्टेशन तक ही जॉय राइड का मजा ले सकते हैं। इसके लिए अलग अलग ट्रेनें अलग अलग कोचेज के हिसाब से चलाई गई हैं जिनके अलग अलग टाइमिंग्स हैं और इन ट्रेनों का किराया 1000 रुपीज़ से लेकर 1600 रुपीज़ तक है। घूम रेलवे स्टेशन से दार्जिलिंग तक टॉय ट्रेन की इसी पटरी के साथ साथ लोकल शेयर कैब में आप यही सफ़र 30 रुपीज़ में कर सकते हैं। घूम रेलवे स्टेशन से आते वक्त ट्रेन कुछ देर के लिए बतासिया लूप पर रुकती है और टूरिस्ट यहां पर उतरकर शॉपिंग कर सकते हैं और यहां के
नेचुरल व्यूज़ का फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। बतासिया लूप देखने के बाद मैं चल पड़ा अपनी अगली मंजिल की ओर, जो थी रॉक गार्डन। बतासिया लूप से रॉक गार्डन तक का सफ़र भी काफ़ी सुहावना था और हमें काफ़ी नेचुरल ब्यूटी रास्ते में देखने को मिली। फाइनली मैं पहुंचा रॉक गार्डन और एंट्री गेट पर नज़ारा कुछ इस तरह का था। रॉक गार्डन में भी एंट्री करने के लिए बतासिया लूप की तरह आपको यहां पर 20 रुपीज़ का टिकट लेना होगा। रॉक गार्डन में एंट्री करते ही आपको ये खूबसूरत झरना दिखाई देगा। यहाँ पर आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जिन बुज़ुर्ग लोगों को चढ़ाई चढ़ने में दिक्कत होती है या जो बीमार लोग हैं, उनको रॉक गार्डन में आने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि रॉक गार्डन एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है, तो आपको यहाँ घूमने के लिए थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ और ऊँचाई चढ़नी पड़ेगी। रॉक गार्डन काफ़ी खूबसूरत है और फैमिली आउटिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हरे भरे और सुकून भरे इस खूबसूरत एनवायरनमेंट के साथ आप यहाँ शांति से कुछ देर के लिए बैठ भी सकते हैं। इसके बाद वाटरफॉल को मैं और ऊंचाई से देखने के लिए और आगे की तरफ बढ़ चला। यहाँ से खूबसूरत नज़ारा कुछ इस तरह का था। आप जितना ऊपर जाते जाएंगे, वाटरफॉल की खूबसूरती उतना ही बढ़ती चली जाएगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं है और मौसम कभी भी पलट सकता है। बारिश शुरू हो गई दोस्तों,
लंच टाइम भी हो चुका था और मुझे थोड़ी भूख भी लगी थी। रॉक गार्डन के बाहर बनी छोटी छोटी दुकानों में से एक दुकान पर मैं रुका और मैंने फ्राइड राइस का ऑर्डर दिया। फ्राइड राइस की इस प्लेट की कॉस्ट यहाँ पर 70 रुपीज़ थी। मैंने कई जगह देखा है इन पहाड़ी डॉगीज़ को, टूरिस्ट से ना जाने क्या लगा होता है कि राइस खाते खाते ये मेरे पैरों के बीच में आके बैठ गया। अगर आप लोग कभी यहाँ खाना खाते हैं तो यहाँ सर्व किए जाने वाले पानी के जग को एक बार खोलकर ज़रूर देख लीजिएगा। मुझे उसमें काफ़ी मिट्टी पड़ी मिली जिसकी कंप्लेंट करने पर उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। रिमझिम रिमझिम बारिश के साथ साथ हमारा सफ़र भी जारी था और हम पहुँचे ऑरेंज वैली टी गार्डन। ऑरेंज वैली टी गार्डन रॉक गार्डन के रास्ते में ही पड़ता है, जिसे हमने जाते वक्त छोड़ दिया था और वापसी में देखने का फैसला किया। यहाँ से खड़े होकर देखने पर यहाँ का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। पहाड़ी के ढलान पर लगे चाय के पौधे एक अलग ही खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं। प्रकृति की खूबसूरती से भरी ऐसी जगहों से जाने का मन ही नहीं करता। इसके बाद यहाँ की चाय टेस्ट करने के लिए और चाय के बारे में और अधिक जानने के लिए मैं बढ़ा यहाँ बने हुए काउंटर की तरफ। आप सब के बारे में बताइए। ये दोनों ग्रीन टी है, ये आपका शुगर पेशेंट, हार्ट पेशेंट के लिए है, और ये जो है फैट लॉस के लिए। ये किसके लिए है? फैट लॉस के लिए। ओके। और ये दोनों ब्लैक टी है, ब्लैक टी में आपका ये लाइट लिकर है फर्स्ट प्लस, और ये डीप लिकर है सेकंड प्लस, और ये तीनों है दूध चाय के लिए प्रीमियम क्वालिटी। कौन सा चाय के लिए? दूध चाय, मिल्क टी के लिए। ओके। उसमें क्या फ़र्क है फिर? जो सी टी सी लीव होता है उसमें क्या फ़र्क होता है? आपका आसाम पेड़ है, वो प्रोसेस करके बनाया हुआ होता है जी। जो पेड़ होता है वो आसाम पेड़ है, और ये सभी आपका दार्जिलिंग पेड़ का है। इसमें आपको फ्लेवर मिलेगा, इसमें बस आपको कलर ही मिलेगा। तो दार्जिलिंग से सी टी सी नहीं बनता? दार्जिलिंग से मतलब बनता है, जो ये पेड़ का बीज होता है ना, पहले ले गया था ना, वो आसाम से ले गया। अभी आप कौन सा टी लाओगे इसमें से जो आप बनाओगे? पीने के लिए हमारे पास सेकंड फ्लस है, फर्स्ट फ्लस है। फर्स्ट फ्लस आपको विदाउट शुगर में, सेकंड फ्लस विद शुगर में। कौन सा टी जो बेटर है वो पिला दो। विद शुगर पीने या विदाउट शुगर? इसमें फर्स्ट फ्लस और सेकंड फ्लस से क्या मतलब होता है? इस सीजन का होता है। फर्स्ट फ्लस मतलब प्रथम पत्ती, जो साल का पहला पत्ती होता है। कल मैं उधर हैप्पी वैली में गया था तो उन्होंने बताया जो एक ही उसके अंदर जो पहला प्लक होता है जो बिल्कुल सबसे छोटा होता है वो फर्स्ट सबसे महंगा होता है, सेकंड वाला जो बीच का साइज होता है वो थोड़ा सा ओवर होता है, जो लास्ट वाला सबसे वो होता है। आता है कलर में डीप होके आता है, लेकिन फ्लेवर में थोड़ा उससे कम होके आता है। जितना सीजन करता है उतना आपको फ्लेवर कम होता जाता है, कलर डीप होता जाता है। ठीक है, अभी ट्राई करते हैं आपकी सेकंड फ्लश। फर्स्ट फ्लश है ये जी, हमारी फर्स्ट फ्लश चाय, इसको भी पीते हैं फिर आपको टेस्ट बताएंगे। दोस्तों टी एस्टेट में खड़े होके हम पी रहे हैं ब्लैक टी। नाम इसका ब्लैक टी है लेकिन ये है ऑरेंज टी, आप देख सकते हैं इसका कलर ऑरेंज है। मुझे तो उसका टेस्ट ओके ओके लगा, ये विदाउट शुगर है। आप भी कभी आए तो जरूर ट्राई कीजिएगा। और ये डॉगी महाराज यहाँ बेंच पर बैठकर नेचुरल व्यूज का पूरा मजा लेते हुए। We'll be right back.
ऑरेंज वैली टी गार्डन के बाद दोस्तों मैं पहुंचा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन। यहां पर डीजल इंजन और स्टीम के इंजन दोनों ही अवेलेबल थे। ये दोनों इंजन बारी बारी ट्रेन के साथ लगाए जाते हैं, जो अभी फ़िलहाल घूम तक जाकर वापस आ जाते हैं। कोयले को जलाकर और पानी को भाप बनाकर ट्रेन को खींचने वाले ये इंजन दुनिया की सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी में से एक हैं। 1999 में यूनेस्को ने दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर कर दिया था। इसी रेलवे स्टेशन से आप 1000 से लेकर 1600 रुपये तक के टिकट लेकर घूम रेलवे स्टेशन तक घूमकर इस टॉय ट्रेन में वापस आ सकते हैं। दार्जिलिंग रोपवे किसी वजह से बंद था, जो मैं नहीं देख पाया। दोपहर के लगभग 3 बज चुके थे। अब टैक्सी वाले ने मुझे मेरे लास्ट डेस्टिनेशन चिड़ियाघर के सामने छोड़ दिया। यहाँ से टैक्सी स्टैंड काफ़ी नज़दीक ही था, तो उन्होंने बतलाया कि आप यहाँ से पैदल या 15 रुपये देकर टैक्सी स्टैंड तक वापस जा सकते हैं। अगर मैं उसको नहीं छोड़ता तो उसको मेरे लिए 2-2.5 घंटे वेट करना पड़ता, जो ठीक नहीं था। तो मैंने उसको अपने पूरे टैक्सी का पूरे दिन का 2000 रुपये किराया दिया और उसको वहाँ से रिलीव कर दिया। यहाँ पर जो चिड़ियाघर है उसका नाम है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, और यहाँ हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दोनों ही एक साथ हैं। मैं जू के एंट्री गेट पर पहुंच गया और वहां से सर्चिंग और फ्रिस्किंग करवाने के बाद पहुंचा टिकट काउंटर पर। यहां पर जू और हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दोनों के टिकट का प्राइस 60 रुपीस है, और ये 6 साल से कम के बच्चों के लिए फ्री है। यहां का एंट्री टाइम सुबह 8:30 से लेकर शाम 4 बजे तक है, और यह थर्सडे को क्लोज रहता है। जू में एंट्री करते ही कुछ दुकानें हैं जहां पर आप अपने लिए थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट या छोटी मोटी शॉपिंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे भालू। चिड़ियाघर में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमें अलग अलग किस्म के जानवर दिखाई देने लगेंगे।
चिड़ियाघर में थोड़ा आगे बढ़ने पर आता है दोस्तों हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ आप कुछ पैसे देकर एडवेंचर एक्टिविटी भी कर सकते हैं। यहीं पर हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट का एक म्यूज़ियम भी है जिसके अंदर यहाँ की हिस्ट्री को दिखाया गया है। म्यूज़ियम के अंदर पिक्चर्स क्लिक करना अलाउड नहीं था, तो इसलिए हम आपको अंदर की तस्वीरें नहीं दिखा सकते। म्यूज़ियम देखने के बाद मैं चला वापस अपने टैक्सी स्टैंड की तरफ जहाँ से मुझे जाना था अपने होटल। मौसम में काफ़ी फॉग बढ़ गया था और शाम भी ढलने लगी थी। यहाँ अक्सर शाम 5 बजे के करीब हो जाती है और 5 बजे के बाद अंधेरा छाने लग जाता है। ज़ू के अंदर आपको काफ़ी तरह के कलरफुल बर्ड्स भी देखने को मिलेंगे। दार्जिलिंग के दूसरे और अंतिम दिन का सफ़र दोस्तों मेरा आज यहीं समाप्त होता है। इसके बाद मैं अपने होटल जाऊंगा और कल मैं जाऊंगा दार्जिलिंग से गैंगटॉक के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। गैंगटॉक की लोकल साइट सीन, ईस्ट सिक्किम और नॉर्थ सिक्किम की जर्नी के एपिसोड कम्प्लीट होने के बाद उनकी वीडियो के लिंक्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। यहाँ से मार्केट होते हुए जाऊँ मैं अपने होटल के अपने रूम में। उसके बाद दोस्तों आप लोगों से मुलाकात होगी मेरी दार्जिलिंग गैंगटॉक सिक्किम सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।